मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गढ़पुरा प्रखंड स्थित गढ़पुरा हाईस्कूल में मैदान में इंजा गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम हर वर्ष गरीब महिला युवतियों को 1,00,000 रुपया अनुदान के तौर पर देंगे। उनका कहना था कि एक तरफ मोदी जी ने 75 वर्ष की उम्र में जनता से सेवा करने का मौका मांग रहे हैं, वहीं सेना ने अग्निवीर योजना लाकर देश के युवाओं को 18 से 22 वर्ष तक काम करने का मौका देकर रिटायरमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार आने पर सेवा में पुनः पुरानी प्रक्रिया के तहत ही बहाली होगी। उक्त बात ही राजद नेता तेजस्वी यादव ने गढ़पुरा हाईस्कूल के मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उनका कहना था कि मात्र 17 माह में उन्होंने बिहार के 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, साथ ही 7.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की पहल की है। तो शायद चाचा को अच्छा नहीं लगा और वो अलग हो गई। तेजस्वी ने कहा कि चाचा जहां भी रहे खुश रहें, आबाद रहे। तेजस्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मेरे चाचा को हाईजैक कर लिया। उन्होंने घर के बेटे को पहचानते हुए मतदान करने की बात कही, साथ ही अगला उम्मीदवार किस तरह उम्मीदवार बनना है इस बात पर कहकर 5 साल साथ चलने वाले उम्मीदवार तथा धर्मबल या जनबल देखकर मतदान करने की। पासवान जी, राजवंशी महतो जी, डॉक्टर रुमी जी, श्रीमती उषा साहनी जी हमारे साथ आए, संजय यादव जी, जय जय राम साहनी जी और सभी हमारे महागठबंधन के लेफ्ट पार्टी के, आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के, सभी हम वीआईपी पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण और बकरी की महान जनता, बुजुर्ग, अभिभावक, हमारे माताएं, संख्या में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए, बैठ करके बोलना पड़ रहा है, हमारे पीठ के हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए 3 हफ्ते के लिए। हम बोले अब बेड रेस्ट हम नहीं, हम मोदी जी को कराना है। 10 साल हम लोगों ने देख लिया रे भाई, झूठ 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 झूठ। ना 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला, ना 15 लाख खाते में आए, ना पलायन रुका, ना महंगाई घटी, ना गरीबी घटी, ना पक्का मकान बना, ना कारखाना खुला। कोई बता दो बकरी में कोई कारखाना। और प्रधानमंत्री जी 10 साल केवल झूठ बोले, इतना धन है रे भाई, देश का नहीं दुनिया का किसी का गांव तक नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का बहुत तक नहीं बोलते। असल मुद्दा क्या है, लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 8 लाख नौकरी का व्यवस्था केवल 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रह करके एक राज्य में किया। मोदी जी आप बताओ कितना नौकरी दिए 10 साल में, कुछ नहीं दिया, तो छोड़ो छीन लिया, रेल भेज दिए, सेल भेज दिए, भेल भेज दिए, LIC भेज दिए, पोर्ट एयरपोर्ट सब भेज दिया, BSNL भेज गया, सब कुछ निजीकरण कर दिया, सेना में बहाली होती थी वो भी नहीं, ठेका पे अग्निवीर योजना, इसलिए समय नहीं है 10-10 कार्यक्रम। आज देखिए खड़े होने से मना है, बेल्ट लगा करके हम घूम रहे हैं, खड़ा नहीं हो सकते, सुबह शाम इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन बंद करेंगे। और हमने ठहरा है जब तक नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिला देते, तेजस्वी शांत नहीं बैठेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा, सबको साथ लेके चलेंगे, हर जात के लोगों को साथ लेके चलेंगे, हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलेंगे। हर तबके के लोग तलवार बांटने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, अरे प्रधानमंत्री जी बोलिए रोजगार के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, बिहार में निवेश के बारे में, पलायन के बारे में, बाढ़ के बारे में। तो प्रधानमंत्री बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, सनातन, इस्लाम। आप तो भाई हद हो गया, आप बोलते हैं कि विपक्ष वाला है या ना, तो मंगलसूत्र छीन लेगा। तीसरा, आसमान में पेड़ लगाना। और चौथा, मोदी जी के मुंह से काम की बात सुनना।
काम की बात है, बेकार की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं। देश की आजादी में सबका खून बहा, सब लोगों ने आजाद कराया, इसलिए देश सबों का देश। लेकिन खत्म विधान को खत्म करना चाह रहे हैं, बोलते हैं भाजपा के लोग हमको 400 दे दो, हम संविधान खत्म कर देंगे। हम उनको बोलना चाहते हैं, बाबा अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान किसी माइक के लाल में दम नहीं, जो हमारे संविधान को खत्म कर सके। हम लोग लड़ेंगे और आप लोगों से हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम तो नौकरी दे रहे थे लेकिन हमारे चाचा जी पर लड़ गए, इनका तो विधायक खरीद लिया मुकेश सहनी जी का, मुकेश जी का विधायक खरीद लिया, हमारे तो चाचा सीएम ने हाईजैक कर लिया। कहेंगे ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, हम बस इतना कहेंगे कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, भाईचारा को कायम करेंगे और सरकार बनेगी राहुल जी की तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गरीब बहने हैं, गरीब बहनों को रक्षाबंधन से 1 लाख रुपया का सालाना हम लोग मदद करने का काम करेंगे, यानी हर महीने गरीब बहनों को 8,333 रुपया देंगे। गैस सिलेंडर कितना है? 1200 करके भरवा दे, हम लोगों की सरकार आएगी तो 500 रुपया उसको कर दिया जाएगा। 5 किलो अनाज के हम लोग 10 किलो अनाज देंगे। और यही नहीं, बिजली बिहार में मिलता है, 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिया जाएगा। और सबसे खतरनाक है भाई अग्निवीर योजना, उसको सबसे पहले खत्म किया जाएगा। क्या है अग्निवीर योजना? 18 साल में पूरा दिन रात लगा के सब देखो पीटी वीटी सब दे बनाता है, सोचता है भारत माता का सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। 18 साल में ज्वाइन कीजिए, आधा टाइम ट्रेनिंग में, अब 22 साल होते तो रिटायर कर जाए। मुझे नहीं आएगा कि रिटायर हो, बिहार नहीं हुआ होगा कि रिटायर हो। बताइए क्या योजना रे भाई अग्निवीर योजना में? ना तो पेंशन मिलेगा, ना तो शहीद का दर्जा मिलेगा, ना ही आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी। इसलिए इस योजना को खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली होती थी वैसे बहाली हम लोग कराएंगे। और यही नहीं, जितना पैरा मिलिट्री शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हम लोगों की पुरानी मांग है, चाहे सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी के जवान अगर ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं तो उनको भी शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करें। तो ज्यादा समय नहीं है, अवधेश जी अनुभवी व्यक्ति है, हमारा अभिभावक है, एक एक वोट जो है तो आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, अगर पूरा को तो प्रखंड जितना बिहार में प्रखंड बना लालू जी बना है, झारखंड में वही बना है तो झारखंड बाद में बना है। मेरा पहना दे आई देखे सहनी जी, 1.5 किलोमीटर में इनका ससुराल है, ये आपके दमाद मिलेगा। अरे हाथ उठा के बताइए तो इनका लाज रखिएगा, जमाई है चंदा बाबा।